लेने हमें गोली दी कि हम आ गए बाहर, खर्च पैसा बेकार है जिनका। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी जस्ट हम पहुंचे हैं पटना। ये देखो पटना जंक्शन पे ट्रेन से उतरे हैं और यहीं पर हमारा जो है रिटायरिंग रूम बुक है। अब कहाँ पर है फर्स्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है ना यहीं पर होगा। चलो चल के देखते हैं। सबसे पहले चेक इन करते हैं, कैसा रिटायरिंग रूम है। नॉन एसी रिटायरिंग रूम हमने बुक किया, वैसे भी सर्दियों में ज़रूरत ही नहीं है एसी रिटायरिंग रूम की, इसलिए नॉन एसी बुक किया था, सस्ता भी पड़ा। अब चल के देखते हैं भाई कैसी कंडीशन है। तो ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये रहा रिटायरिंग रूम। हम सोच रहे थे जाने कहाँ ऊपर वगैरह होगा, लेकिन ये नीचे ही बना हुआ है। यहाँ से अंदर आए तो पता चला कि भाई साहब ऊपर चलना ही पड़ेगा। लग ही रहा था हमको कि ऊपर बना होगा और ये ऊपर की साइड। चलते हैं, चेक इन कर लिया है। और भाई साहब ये है अपना रूम, रूम नंबर 5। और भाई साहब रूम तो ज़बरदस्त है एकदम, जैसा वाला सोचा नहीं था कि नॉन एसी में इतना सही रूम मिल सकता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अपना रूम नंबर 5 और रूम तो भाई साहब इतना बड़ा रूम है, ये देखो। डबल बेड है, सोफ़ा है, खिड़की है, इधर से पूरा स्टेशन का व्यू है, चेयर टेबल और यहाँ पर शीशा वगैरह लगा हुआ। और रूम देखो इतना बड़ा है कि यहाँ पर दो इधर 4 पंखे लगे हुए हैं और साथ में टॉयलेट। तो भाई अटैच टॉयलेट है, टॉयलेट भी काफ़ी सही है, काफ़ी बड़ी टॉयलेट है। बस इसमें गीज़र नहीं है, छोटी सी एक ये कमी रह गई, बाकी सब बढ़िया एकदम ज़बरदस्त। और ये देखो इनकी भाई मैट्रेस, मतलब जो डला है ना वो भी एकदम नया ही लगा हुआ है। बस ये चादर वगैरह बिछाने हैं, पिलो कवर लगाओ खुद से और रेडी करो अपना बेड। केम छो कल आए, अभी हर्ष आया है खाना लेके। हाँ अभी हम जाएंगे तो हम खुद करवा के दे देंगे, ठीक है ना। अरे अच्छा रूम है वो, ठीक है। प्रिंट आउट मांग रहा है। हाँ भाई साहब यहाँ पे प्रिंट आउट मांग रहा है, कहीं आज तक इंडिया में मांगा नहीं इनने प्रिंट आउट, जो बुकिंग होती है उसकी। रूम सही है, रूम काफी बढ़िया दिया है। वहाँ का कैसा है? वहाँ वाले मतलब इतने स्पेसेस नहीं है, यहाँ तो क्रिकेट हो सकता है। सही बात है, बढ़िया रूम है। हर्ष आया है बढ़िया, अभी खाना लेके घर का। मोनू भाई लोग, ये लोग भी यहीं रुके हैं पटना पे ही स्टेशन पे, लेकिन ये रुके हैं उस साइड को, हमारा इस साइड को। कहाँ ये लोग अभी तक? बोरिंग रोड गए, मतलब उस भैया का सोच गंदा हो गया था। तो भाई लिट्टी चोखा चाहिए, तला तो भैया बंद है स्टेशन के बाहर वाला। ये बकवास आ जाएगा आपको सारा गला। अरे ये चना वाला, अरे वो आपको साथ खुला है। चलो ठीक है, देखते हैं भाई शाम हम को जाएंगे उधर पे, अभी तो फिलहाल घर का खाना आ गया भाई साहब, यही खाते हैं। गले की ऐसी ऐसी हुई पड़ी है वैसे भी। तो अभी खाना खोल लिया है और देखो भाई साहब बहुत दिन हो गए घर का खाना खाए हुए। गर्मा गर्म पकौड़े, दाल फ्राई और ये बीन्स की सब्जी, रोटी। लेकिन भाई साहब चलो बहुत कुछ तो लाया, लेकिन मम्मी को परेशान किया ऐसा कुछ नहीं है भैया। और क्या भाई, आंटी परेशान हो गई ना, बताओ इतना सब बनाने में। बाकी भाई साहब अब वीडियो नहीं बनेगी, अब भूख लग रही है, फटाफट खाते हैं। कौन है रे, कौन है? गेट फोड़ रहे हैं पूरा है कोई इंसान? क्या चंदन भाई मिस किया? मिस बहुत किया। अरे ब्रो, अरे ब्रो देखो गोवा के बाद अब मिल रहे हैं दोबारा पटना में। खरीद के लाए। ये पेंट्री वाली पैकिंग है हर्ष की। घर का खाना है, खा के देखो। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर है। अरे भाई ये खाओगे बवाल चीज है एकदम। कल सुबह निकलेंगे ये समस्तीपुर और हम लोग हावड़ा के लिए। चलो यार चाय भाई पी के आते हैं यार, फोन में लगे हो इससे। हे मोनू भाई, मोनू भाई को जो जब से ब्रेकअप हुआ ना उसके बाद भाई ऑन कैमरा है देख लो, मोनू भाई का जब से ब्रेकअप हुआ ना तब से तन बदन दिल हर मतलब किडनी लीवर हर जगह दुख ही दुख भरा हुआ। क्यों भाई सही बताओ, सही में ब्रेकअप हुआ है? नहीं यार ऐसा नहीं है। देखो चश्मे की रोशनी की आगे अपने आंसू मत छुपाओ। आंसू भी तो दिख रहा है। अच्छा ठीक है, गोवा का एक ब्लॉग डाला, उसमें लोग कह रहे हैं मोनू इज ड्रंक, उसके बारे में आपका कहना है? भाई लोग कह रहे हैं कि सबरे नशे में घूम रहे हैं आधी रात में। अब आधी रात में भाई वहां पर सीन ही ऐसा था गोवा में कि आधी आधी रात में लोग घूमते थे। चलो यार चाय पीने चल रहे हैं अभी, अरे पैसा बेकार है जिनका। अरे लल 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 तोरी पटक दिया, हरा दिया, गिरा दिया तुमको, हार गए भाई हार गए। जमीन अमीन पिया नहीं, नहीं चंदन भाई बने हाँ गया हर्ष हाँ गया। तो अभी आ गए हैं अपने रिटायरिंग रूम और रेलवे स्टेशन से बाहर, अब चल रहे हैं यहीं पर चाय पीने। क्या कुल्हड़ वाली मिलेगी? हाँ जी कुल्हड़ वाली मिलेगी चाय जी। चलो कुल्हड़ वाली यहाँ पे चाय मिल जाएगी। पटना वो सामने रही, जब से गोवा गए हैं भाई साहब चाय ढंग की नहीं मिली।
मतलब मिलती थी लेकिन उतना मजेदार चाय तो वहाँ तो नहीं है, लेकिन यही मिलेगी। चलो यहाँ पे पियेंगे कुल्हड़ वाली चाय। बाकी पीछे देखो पटना जंक्शन पे पूरी लाइटिंग है, अभी लाइट्स चालू भी हो गई, अभी थोड़ी और रात होती है ना तब व्यू आता है तगड़ा। सामने महावीर मंदिर, चंदन भाई बता रहे हैं, और इधर पे पूरा चाय स्टॉल यहाँ है ऊपर है। ए चंदन भाई, ये तो अपना ही है। हाँ वही तो, फिर वही तो बोले फ्री सेवा होनी चाहिए। हाँ चलो फिर। देखो इनका नाम चंदन और ये टी स्टॉल भी चंदन। चलो भाई पे नहीं करना कुछ भी, ठीक है? चलो भाई चलो, और अगर पैसा दिया ध्यान रखना, अगर पैसा लग गया हमारा एक भी रुपया। तो भाई साहब भीड़ देखो यहाँ पर चाय के लिए, तगड़ी भीड़ चल रही है। चाय अभी बन ही रही है, ये देखो चीनी भी है, चाय बन रही है, साथ में यहाँ पर बन मक्खन भी है, तो ये भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अपनी चाय हो गई तैयार कुल्लड़ वाली, ये देखो गर्मा गर्म चाय कुल्लड़ की। तो अभी चाय पी, उसके बाद चाय क्या कॉफी क्या मतलब मिक्स था दोनों का। उसके बाद ये प्रिंट आउट निकलवा लिया है जो हम लोगों को यहाँ पर देना है रिटायरिंग रूम का, क्योंकि भाई साहब उनको चाहिए। तो हमने चलो ठीक है भाई साहब चाहिए तो हम निकाल के देंगे, क्या करें। वैसे आज से पहले हमने इंडिया में कहीं भी किसी भी रेलवे स्टेशन पर रुके हैं ना, कहीं भी नहीं दिया, लेकिन पहली बार आज ये प्रिंट करा के देना पड़ रहा है भाई, हर जगह का हिसाब किताब अलग है। जबकि रेलवे एक ही है इंडियन रेलवे, लेकिन कहीं कहीं अपने अपने रूल चलाते हैं कोई कोई, क्या करोगे। अभी होटल से बाहर आ गए भाई, क्या हुआ, इन लोगों ने फोन किया कि जाना है, पहले इनने हमें गोली दी कि हम आ गए बाहर, तो हम भी बाहर आ गए। बाहर आए तो हमें लगी सर्दी, पता है सर्दी लग रही थी, हमने जैकेट पहन के आए, उसके हमें गोली दे रहा, नहीं देखो वहाँ रेड स्कूटी होगी, चलना हाँ रेड स्कूटी है, स्कूटी भाई किधर है। तो हमने रेड स्कूटी की तरफ ही आती है, वहीं मिलेंगे। अच्छा ठंड भाई हमको लग रही, तभी तो हम भागे, हम जूते वगैरह कुछ नहीं पहन के आए थे, ऐसे ही आ गए, ठंड लगी सो भागे, हम निकाल गए जैकेट पहनी। आरपीएफ वाला वो बैठा उधर बंकर में, वो हमको घूर रहा है, बार बार आ जा क्यों रहा है, वो अलग परेशान। क्या सिस्टम क्या है जूतों वाला भाई, हम तो पहली बार देख रहे हैं, दो घंटे में जूता सुखा के दे देगा साफ कर, दो घंटे में चार घंटे में जूते धो के सुखा के दे देंगे ठंड में, सही व्यवस्था है। चार तो भाई साहब यहाँ पर जाम देख रहा हूँ, हम लोग ऑटो करके आए रेलवे स्टेशन से, और जहाँ हम लोग को जाना था बीच में ऑटो वाले ने छोड़ दिया, कह रहा भाई साहब इतना जाम लग रहा हम नहीं जा पाएंगे। कितने रुपए की बात हुई थी, 120 की, 100 रुपए की बात हुई थी, भाई साहब कह रहा है मतलब कह रहा है जो आपको देनो दे के आप चले जाओ भैया, हम नहीं जा पाएंगे, कह रहा दूसरा ऑटो ले लो। नहीं यार दूसरा ऑटो ले लो तो जाम तो सबके लिए है ना, कह रहे नहीं लेकिन हम नहीं जा पाएंगे भाई साहब। उसको उसने हम लोगों को बीच रास्ते में छोड़ दिया, पूरा छोड़ा ही नहीं, हम लोग यहाँ से पैदल ही पैदल जा रहे हैं। कितना ऑप्शन भी पैदल में कितना, 1200 1200 मीटर 1200 मतलब 1.2 किलोमीटर है पैदल में, तो पैदल ही पैदल चले जाते हैं सबसे बढ़िया। और जाम देखो भाई साहब यहाँ से देख के पूरा आखिरी तक तगड़ा जाम लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो पैदल ही निकल लेते हैं। अब आ गए हैं हम मौर्य कॉम्प्लेक्स के पास में, जिस वजह से हम पटना आए थे इस टूर पे लिट्टी खाने। भाई साहब यहाँ मिलती है लिट्टी जो हमको बहुत पसंद है भाई, और मतलब यहाँ की बेस्ट एकदम बेस्ट, हमेशा जब भी आते हैं तो यहाँ लिट्टी जरूर खाते हैं। फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद भाई साहब अपनी लिट्टी चोखा आ गया है। वैसे हम तो ट्राई कर रहे हैं, मोनू भाई नहीं खा रहे हैं, क्यों भाई? भाई हम खाए हुए यार, खाए हुए हो बात ठीक है, बिहार आए हो तुम देखो खाओ, हम तो आए इसीलिए, हम तो भाई सिर्फ लिट्टी खाने के चक्कर में टूर का इधर का प्लान किया है। क्या खा लो, जगह नहीं है, जगह लिए आइसक्रीम खा ली भाई साहब ने सर्दी में, सर्दी में तरकीस वाली, वो तरकीस वाली की 3-4 कोने खराब कर दी भाई, इसको वीडियो बनाना था, वीडियो बनाने के चक्कर में आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम के चक्कर में 3-4 कोने खराब कर दी उसकी। सही भाई, उसने कोन का पैसा लिया है भाई, 150 रुपए ले लिए जरासी कोन की आइसक्रीम का। तो लिट्टी चोखा खा के अभी आ गए वापस अपने ये रिटायरिंग रूम में। बाकी ये लोग अपना लाए हैं हांडी मटन और रोटी, ये चंपारण का है यहाँ पर जो काफ़ी फेमस है पटना में बिहार में, तो ये लोग वो खाने वाले हैं। और हमारा तो हो गया बस 5 पीस ही खाया लिट्टी का, ज़्यादा भूख नहीं थी, वही दिन में जो हर्ष खाना लाया था वही खा लिया था तो पेट भर गया था। कि भाई साहब चंपारण की हांडी मटन ये लोग ट्राई करने वाले हैं, मोनू भाई से पूछेंगे कैसा है। ओके 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 ये देखो भाई साहब कश्मीर से एक लौंडा आया है हम लोगों के पास, एक काम करो ना क्यों रे क्या क्या बीड़ू कहां से माल उठाए ला ये
तो भाई साहब ये कोलकाता में हमको रेस्टोरेंट के बारे में पता चला है। देखो अगर होता है तो वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे दिखाएंगे। अभी तो प्लान नहीं है इस बार कोलकाता जाएंगे जब। कल सुबह सुबह की ट्रेन है, सुबह 5:30 बजे की। हर चार्ट बन गया, हो गया टिकट कंफर्म हो गए? कौन से कोच में बता रहे हैं? हमको ऐसा लग रहा है कि हमें बिल्कुल आखिरी का कोच दिया हुआ है। D6 हमको D11 दिया है। तो भाई अभी तो रात का 10 बजने वाला है। चलो यार अब सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में। तकली टाटा, बाय बाय।